आर के सिंह जी दहेज के नाम पे कुछ नहीं मांगने वाले हैं, अब वोट केवल मांग रहे हैं और मैं मांग रहा हूं, वोट तो मैं आया हूं आपसे मांगने के लिए। देंगे सभी लोग? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं ना, मोदी जी को बताऊं ना कि आरा के लोग रिकॉर्ड वोटों से आर के सिंह जी को जिता के देंगे, बता दो तो फिर मेरे साथ बोले कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। को कोटि कोटि नमन। भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और बाबू साहब तेगवा बहादुर की उपाधि से विख्यात वीर कुंवर सिंह और देश के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की इस कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भाइयों, जब आरा की बात आती है तो मैं 1857 याद आता है। आप सोचिए 80 वर्ष की उम्र में वीर बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़ा था और आजमगढ़ तक का भूभाग, आजमगढ़ तक का भूभाग उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करने का काम किया था। ऐसे वीर बलिदानियों की भूमि है और इसीलिए इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल हैं, सपूत हैं और नए भारत का निर्माण आपके हाथों में है। बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और यहां के दामाद श्री राजकुमार सिंह जी को। उनको यह तो स्वीकार करना ही होगा कि जब वो आईपीएस हुए थे उनकी उम्र मात्र 20 साल थी और तब जब उनकी शादी हुई तब वे आईएएस बने और सचमुच यहां के दामाद और आरा के सपूत ने प्रशासनिक सेवा के जिस भी पद पर रहे उन्होंने इस धरती के मान को बढ़ाया बड़े गर्व के साथ, क्योंकि भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में उनके कार्यकाल को हमने देखा था, क्या शानदार काम किया था। और पिछले 5 साल से मैं उनके कार्य को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य को भी बिजली संकट से मुक्त करने के लिए और केवल समस्या नहीं देना है, समस्या का समाधान भी देना है, समाधान का मार्ग निकालने वाले राजकुमार सिंह जी को आप सबका फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। 1 जून को चुनाव होना है, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरणों के चुनाव में मुझे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, 12-14 राज्यों में चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर 400 पार। जब 400 पार की बात होती है तो एनडीए 400 सीट पाएगी और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं।
बहनों भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं, उन्होंने एक ही बात कहा, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वह कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन ही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी, 2014 के भारत में 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब ये मैंने नहीं किया है। पाकिस्तान को सफाई देनी होती है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। दुश्मन दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, आरा का रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहा है जैसे एयरपोर्ट बन रहा हो, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT, ये सब बन रहे हैं। 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल रहा है। मैं कहता हूं उन लोगों को जो आज के समय में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान का राग अलापे नहीं, वे भारत का बोझ कम कर दे, पाकिस्तान में जाएं। हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है, वहां इन लोगों को भीख भी नहीं कोई देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को 10 वर्ष में मोदी जी ने गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। आज याद करिए, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं।
चार करोड़ गरीबों के मकान कार बनेंगे। 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को फ्री में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए तक का उपचार कोई भी बुजुर्ग कहीं भी जाके करा सकता है देश में। मोदी जी ने कहा है जितने गरीब बचे होंगे जिनके पास आवास नहीं होगा उसको भी एक एक आवास देंगे। अब याद करिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी है और काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप जाकर के देखिए बगल में। बहनों और भाइयों, आस्था का भी सम्मान है, विरासत भी है तो विकास भी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपको कहां ले जाना चाहती है? इन लोगों ने तो हमेशा छल किया, जब मौका मिला इन्होंने देश के साथ छल किया, सनातन धर्म के साथ छल किया, बिहार से छल किया, वोट आपका और सरकार बनी तो पेट भरा है इन्होंने अपने परिवार का। याद करिए, लालू जी अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोचिए, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो रहे हैं, बंगाल से समाप्त हो गया और यहां पर एक नक्सली को इन्होंने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। आप बताओ, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा हो ये लोग उसको प्रत्याशी बना करके आपकी सुरक्षा को फिर कैद कर देना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनका इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इतना खतरनाक है, कहते हैं आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपट्टा पड़ेगा और 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से देश में लागू करेंगे। आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि दे भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। जी ने तो कहा है कि ओबीसी का जितना भी आरक्षण है ये सब आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हिंदुओं का आरक्षण काट करके अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट करके आप किसी को दे देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के फैसले को पलटा है और कहा है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलेगा, धर्म के आधार पर आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये फिर भी देना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भारत का विभाजन का आधार धर्म बना था, तब भी ये पाप कर रहे हैं, देश के खिलाफ छल कर रहे हैं। आपके साथ आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर आपस में लड़ा करके अलग अलग कैटेगरी करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई आपका आपसी विवाद है इसलिए इसमें से एक हिस्सा मुसलमान को दे देते हैं। और इन्होंने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी उसने किया, एक होड़ सी लग रही है। बहनों और भाइयों, ये देश को बचाने का चुनाव है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस षड्यंत्र को हमें सफल नहीं होने देना है। राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती हटाती चली गई, तो उन्होंने कहा हां मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था।
गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ तो। उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से संपत्ति आपके पास आई, वरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? वरासत टैक्स का मतलब है आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और आरजेडी को लोग ले लेंगे, और फिर लेने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों में उस संपत्ति को बांट देंगे। जैसे आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, बाबा ने कोई 4 कमरे का मकान बनाया है, आज अगर वे नहीं मकान आपके नाम पे आ गया, ये वरासत टैक्स लगाएंगे और कहेंगे 2 कमरे आपके पास रहेंगे, 2 कमरे किसी बाहरी मुसलमान को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आरा इसको स्वीकार करेगा क्या? बहन और भाइयों, ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, उसको कैद किया। और औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए, वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे जबरदस्ती लगाया जाता था और कहा जाता था तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पे उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले का वरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए? कतई नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी। वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है, उसको किसने रोका इसको खाने में? पकौड़ी खाना है, पूड़ी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए, लेकिन एक जगह में आकर के बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कायदा नहीं, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी, जन्म जन्म का नाता है, बोलता कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इन गौ हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे? अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म में अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे और परलोक में जाकर के पूर्वजों को बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? ये माने
आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने का मतलब क्या है? पाप अपने सिर के ऊपर ले लेना। आज बहन और भाइयों, जो परिवर्तन देश के अंदर मिला है, इस परिवर्तन के वाहक आप हैं। आप अच्छे सांसद को चुनाव जिता करके भेजे। 14 में आपने आरके सिंह जी को चुनाव जिता के भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आरजेडी के अंधकार को दूर करके पूरे देश को उजाला देने का काम किया है, जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो 1,20,000 मजरों में आरके सिंह जी के नेतृत्व में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। आप सोचिए, 1,20,000 मजरों में 1,53,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन वहां दिए गए हैं, और आज बिजली वहां चलती है पूरी 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है, बिना भेदभाव के मिल रही है। सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगे का नाम सुना है क्या? आज वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने कहा निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, हमने तय किया। जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब सुहा हो गया, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना, तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहां पे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। और बड़हरा के लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी दोनों तरीके से, अच्छा सांसद के नाते तो है ही, लेकिन अपने दामाद को चुनकर के आप भेजेंगे तो कौन ऐसे व्यक्ति होगा जिसको उसमें खुशी ना होती है। और इसलिए रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके आरके सिंह यहां से जाने चाहिए। जीतेंगे, जीतेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से, लेकिन रिकॉर्ड वोट से जीतने चाहिए। इतना विकास का मायने तभी होगा, कृतज्ञता ज्ञापित दोनों। आपने पिछला वोट दिया तो उन्होंने विकास कराया, उससे पहले वे आपके पास आए होंगे, ये कह के आए होंगे ना कि भाई मैं यहां का दामाद हूं, ये बोला होगा ना उन्होंने, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि उससे पहले तो आपका उन पे पहले से ही आपने उन पर पहले कृपा कर दी थी कि आपने यहां की बेटी ब्याही गई तो आईएएस बन गए, उनकी तरक्की होने लग गई। अब 20 साल की उम्र में जब लड़का पढ़ता है, बीए कर रहे थे, आईपीएस बन गए, और फिर आईएएस में आ गए, फिर बिहार के भी गृह सचिव, भारत सरकार के भी गृह सचिव बने, और फिर एक बहुत ब्राइट कैरियर के साथ कार्य करते 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 आज भारत सरकार की ऊर्जा मंत्री के रूप में भी एक ऐसे मंत्री बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके मोदी जी के अभियान को, उनके मिशन को, उनके विजन को पूरे देश के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। नाम देश का भी हो रहा है, बिहार का भी हो रहा है, और आरा का भी नाम हो रहा है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील यही करने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड वोटों से आरके सिंह जी जीतेंगे, क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप सभी लोग
लेंगे। तीन दिन चुनाव के बचे हैं, इन तीन दिन का उपयोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? फिर से आएंगे। तीन दिन का समय है, तीन दिन में मेरे दो बातें मानेंगे। मैं आया हूं दो बात करने के लिए। पहली बात, आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो अगला तीन दिन देश के लिए देने जा रहे हैं? कितने लोग हैं? पीछे के लोग भी देखो भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है दोनों हाथ लगाकर, इधर के लोग भी, इधर के कितने लोग, तीन दिन देश के लिए कौन देगा? देंगे आप? नाम मनी है। आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, अगले तीन दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घरों में जाना है, 10-10 घरों में जाना है, 10 घरों में इसलिए जाना है, कहना साहब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी चाहिए और विकसित